हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और जिसके अंतर्गत पहली बहाली को तो पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया है और उसके बाद अब जो है दूसरी बहाली के लिए पूरा फॉर्म प्रोसेस होने के बाद एडमिट कार्ड की डेट भी घोषित की जा चुकी है। अगर आप ध्यान दें तो एडमिट कार्ड निकालने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए इन बातों को समझते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए आपका। जैसा कि आपको पता है कि इनकी जो है हम जब फॉर्म भर रहे थे तो ऑनलाइन मतलब कि लाइव फोटो लिया गया था और उसमें फोटो मतलब नहीं दिखाया गया था। चलिए आगे हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी 3.0 एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस हम लोग इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे और बिल्कुल आसान जानकारी होगी, बिल्कुल आराम से सरल भाषा में हम इन बातों को समझ लेंगे। पहला चीज क्या है कि आपको ये बहुत जरूरी बात है कि एडमिट कार्ड इशू डेट कब से होगी, यानी कब से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2/12/2023 से आपका एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगा और आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आइए इनके प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे निकाला जा सकता है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 25 KB का होगा, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले एक फोटो अपलोड करना होगा। विदाउट फोटो अपलोड करने के लिए आप विदाउट फोटो अपलोड किए बिना आप जाके एडमिट कार्ड नहीं निकाल सकते हैं। तो उसमें आपका जो साइज चाहिए वो कितना चाहिए, तो 25 KB का उसका साइज होना चाहिए। डायमेंशन जो होना चाहिए यानी कि 250x250 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए, ये भी आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत अपलोड करना होगा, तभी आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। अब ये डैशबोर्ड क्या होता है कि जैसे ही आप लिंक को एक्टिव करेंगे और बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर और या किसी अदर थ्रू के भी जाएंगे और बीपीएससी के वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो एक सामने एक आपके इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड एक छोटा सा खुलेगा जिसमें आपको नाम, रोल नंबर, फोटो अपलोड करना, ये सारी चीजें इन पर लिखी होंगी। तो उसी में जाके आपको क्या करना है, अपना फोटो को अपलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। यानी कि आप ये बात जानते हैं कि पिछली बहाली में भी ऐसा देखने को मिला था कि आपको सेंटर नहीं बताया गया था, स्टार्टिंग में सेंटर को कुछ दिनों के बाद बताया गया था, जबकि सेंटर की सिटी को बता दिया गया था कि किस जगह पे आपका परीक्षा होगा। तो डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज करना होगा। जो केंद्र कोड दिया जाएगा उसको आप लोग वहां पर दर्ज करेंगे, जिसमें सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। और उसमें क्या रहेगा, सेंटर कोड और जिला का नाम उसमें आपका अंकित रहेगा। उसके बाद क्या है कि वर्ग 6-8 एवं वर्ग 9-10 में संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान विषय या का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। जैसे यहां पर क्या है बात कि 6-8 या 9-10 के अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें अगर आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र चार विषय होते हैं, इनमें से कोई दो विषय, जैसे आप क्या करेंगे, एक विषय इतिहास और भूगोल, या तो आपका एक विषय इतिहास होना चाहिए या तो एक विषय अनिवार्य रूप से भूगोल होना चाहिए, उसके बाद इन चारों में से कोई और दो विषय होना चाहिए। तो एक विषय इतिहास और भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। यानी कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, ये उनके लिए है। तो एक इतिहास अनिवार्य है, एक भूगोल अनिवार्य है, बाकी इन दोनों में से कोई विषय और बाकी जो दो विषय बच गए उनमें से आपका कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप इतिहास हो जाएगा तो इतिहास के साथ अर्थशास्त्र आ जाएगा, इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी दो विषय आपका होना जरूरी है जिनमें ये भूगोल और इतिहास होना जरूरी है।
आगे अब एक सबसे बड़ी सूचना है जो डीएनएड वाले को बाहर किया गया है, उससे भी संबंधित कुछ सूचना दी गई है, लेकिन उस सूचना को ज्यादातर आप आइए देखते हैं पहले क्या लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। यानी कि इन्होंने लिखा है कि मान्य है अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व कार्यरत है उनकी 18 माह की डिग्री जो होगी, डीएलएड डिग्री जो होगी वो मान्य होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार सरकार गई है और इसके अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पे कि डीएलएड की डिग्री को अभी तक मान्य किया गया है। हालांकि उतना क्लियर नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है, हो सकता है फर्दर नोटिफिकेशन में ये आगे जारी करें। तो अभी 10/8/2017 से जितने भी कार्यरत हैं शिक्षक उनकी जो 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी, इन्होंने इस चीज में मेंशन कर दिया है। अब आगे वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 07 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया करेंगे। तो ये बात है उन लोगों के लिए, 1-5 में देखना है कि पता है आप लोगों को कि 1-5 से बीएड को बाहर कर दिया गया था, उस कंडिका को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को देखेंगे, कंडिका नंबर 7 आप जाके पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा विभाग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6-8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग में चयनित विषय के रूप में परीक्षा दी। आपको पता है कि दो तरह की वैकेंसी निकली थी, एक शिक्षा विभाग की निकली थी और दूसरी वैकेंसी जो थी शिक्षा विभाग एवं दूसरी वैकेंसी जो थी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि जिन्होंने 6-8 और 9/10 6-8 जिसमें किसको किसको छोड़ना है, संगीत कला विषय को छोड़कर, इनको छोड़ करके आपको ध्यान रखना है कि आवेदन किए गए तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, लेकिन इसमें कौन सा जिसमें आपने जिस सब्जेक्ट को आपने शिक्षा विभाग में चुना है उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको चुनाव करना होगा और उसी सब्जेक्ट में परीक्षा दी गई। ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग में आपने इंग्लिश चुन लिया है तो आप पिछड़ा कल्याण विभाग में हिंदी की परीक्षा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने शिक्षा विभाग, आपने अगर दोनों वैकेंसी भरी है और शिक्षा विभाग में जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा पिछड़ा एवं कल्याण विभाग में। आगे देखते हैं, सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करना है एवं परीक्षा अवधि के वीक्षक को समक्ष हस्ताक्षर करते हुए उन्हें सुपुर्द भी कर देना है। इसका अर्थ है कि आप जब निकालेंगे एडमिट कार्ड तो दो एडमिट कार्ड की छाया प्रति निकालेंगे, यानी कि दो फोटोकॉपी आप उसका लेके जाएंगे और दोनों फोटोकॉपी में एक फोटोकॉपी तो आपके पास आएगा और एक उसको सिग्नेचर करने के बाद उनको वीक्षक को आपको सौंप देना है। ये भी ध्यान रखना है कि दो एडमिट कार्ड, पिछले बार कई लोग इसमें गलती किए थे और एक ही एडमिट कार्ड लेके गए थे, ये ध्यान आप बहुत जरूरी रखेंगे। आगे परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी अगर 5/12/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी, अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप जान रहे हैं कि पहले 2 तारीख से यानी कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपको सिटी बता दिया जाएगा, लेकिन आपका सेंटर जो है एग्जैक्ट किस स्कूल में पड़ा है वो 5/12/2023 से आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आप अपना प्रवेश पत्र भी उसी समय डाउनलोड करेंगे। जब आपकी सिटी मेंशन कल से आएगी तो उसमें कुछ ज्यादा मेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ सिटी मेंशन रहेगा आपका एग्जामिनेशन किस सिटी में पड़ा है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमको यहाँ पर ये चीज पता लग जाए कि किस स्कूल में हमारा एग्जाम गया है और किस जगह पे, तो ये आपको 5 तारीख से पता लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जो आपका ओएमआर सीट है उसको आपको दे देना है और उसके बाद लौटना है। ऐसा नहीं कि ओएमआर सीट आप घर लेके चले आए और फिर आपका रिजल्ट जो है
वो अच्छे तरीके से बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और परीक्षा का जो समय है वो एक घंटा पहले तक आपको जाने की अनुमति होगी, एक घंटा पूर्व तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका गेट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। चलिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके एग्जामिनेशन के थ्रू हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर।